खुलकर आया पाकिस्तान। इमरान खान ने आतंकी संगठन को बनाया अफगानी कबीला। अपने देश में घिरे इमरान खान। आगरा में पुलिस चौकी से 6 सट्टेबाजों को किया गया गिरफ्तार। सट्टेबाजों से नकदी हथियार किए बरामद। सभी अभियुक्तों को कानूनी कार्रवाई कर भेजा गया जेल। अलीगढ़ की लुटेरी पुलिस ने की 9,50,000 की लूट। थर्ड डिग्री की धमकी देकर एसआई ने हड़पे 7 लाख रुपए। पीड़ित ने एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। बलरामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने संयुक्त चिकित्सालय का किया औचक निरीक्षण। निरीक्षण के दौरान मिली भ्रष्टाचार की भारी भरकम शिकायतें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज साथ, मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर से तालिबान के पैरोकार बनते नजर आए हैं। इमरान खान ने कहा है कि तालिबान को समय देना चाहिए। हालांकि तालिबान के बचाव में इमरान खान कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए और अपने पालतू हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन की जगह अफगानी कबीला बता दिया। इस बयान के बाद इमरान अपने देश में घिर गए हैं। इमरान ने कहा कि हक्कानी एक पश्तून कबीला है जो अफगानिस्तान में रहता है। हक्कानी नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल है। गलत बयान को लेकर पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हामिद मीर ने इमरान खान को ट्विटर पर घेर लिया। हामिद मीर ने लिखा, हक्कानी कबीला नहीं है, खैबर पख्तूनवा में खटक के दारुल उलूम हक्कानिया अकोरा के सभी स्टूडेंट्स हक्कानी कहलाते हैं, जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी भी शामिल है, जिसने अफगानिस्तान में सोवियत की हार में अहम भूमिका निभाई है। तो इमरान खान अपने बेतुके बयानों को लेकर लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं और एक बार फिर से वो सुर्खियों में बने हुए हैं और अपने ही देश में वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल इस दौरान इमरान खान का जो बयान है वो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर तालिबान के पैरोकार बन गए। इमरान खान ने कहा कि तालिबान को समय देना चाहिए। हालांकि तालिबान के बचाव में इमरान इतने ज्यादा इमोशनल हो गए कि उन्होंने अपने पालतू हक्कानी नेटवर्क को आतंकी संगठन की जगह अफगानी कबीला बता दिया। इस बयान के बाद इमरान अपने ही देश में घिरते हुए नजर आए। इमरान ने कहा कि हक्कानी एक पश्तून कबीला है जो अफगानिस्तान में रहता है। हक्कानी नेटवर्क संयुक्त राष्ट्र की आतंकी लिस्ट में शामिल है। गलत बयान को लेकर पाकिस्तान के पत्रकार लगातार इमरान खान को ट्विटर पर घेर रहे हैं। हामिर मीर जिनमें से एक है, जिन्होंने लिखा कि हक्कानी कबीला नहीं है, खैबर पख्तूनवा में खटक के दारुल उलूम हक्कानिया अकोरा के सभी स्टूडेंट हक्कानी कहलाते हैं, जिसमें जलालुद्दीन हक्कानी भी शामिल है, जिसने अफगानिस्तान में सोवियत की हार में एक अहम भूमिका निभाई हुई है। तो ऐसे में इमरान खान अब बुरी तरीके से फंसते हुए अपने ही देश में नजर आ रहे हैं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज हरदोई जाएंगे। वो यहां कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई पुलों सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। उसके बाद बीजेपी जिला कोर कमेटी के साथ बैठक कर पदाधिकारियों से संवाद करेंगे। इसके साथ ही डिप्टी सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर सकते हैं। डिप्टी सीएम के आगमन की तैयारियों का डीएम अविनाश कुमार ने सीडीओ और प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। तो आज हरदोई आएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, कई योजनाओं का शिलान्यास कर सकते हैं, जनता से रूबरू हो सकते हैं। आप बता दें कि जो बीजेपी उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, सरकार जो काम कर रही है, उसमें और ज्यादा तेजी देखी जा सकती है। जो ऐसे शिलान्यास थे जिनका अब तक शिलान्यास नहीं हुआ था, यानी कि ऐसी जो योजनाएं थी आधारशिला नहीं रखी गई थी, उनको भी जल्द से जल्द निपटाने की कोशिश की जा रही है और इसी तर्ज पे आज हरदोई पहुंचेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। और तैयारियां आप देख सकते हैं कि तैयारियां हो चुकी हैं और यहां पर जनता को संबोधित भी कर सकते हैं और जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो भी गिनवाते हुए नजर आ सकते हैं। तो कई योजनाओं का यहां पर शिलान्यास किया जाएगा, जिसको लेकर डीएम ने तैयारियों का जायजा लिया है और औचक निरीक्षण करते हुए वो नजर आए हैं। कल जनपद में माननीय उप मुख्यमंत्री जी का आगमन है और उनके द्वारा जो भी पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं उनका शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम कल यहाँ पे किया जाएगा। और उसी के साथ ही साथ माननीय उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आने के बाद कुछ कार्यों की समीक्षा और जनप्रतिनिधिगणों से मुलाकात भी करेंगे।
तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ, जिला प्रशासन की टीम के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया है और तैयारियों के लिए को लेकर जो भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने थे वो मेरे द्वारा दे दिए गए। देश में वयस्कों का टीकाकरण काफी तेजी के साथ किया जा रहा है, लेकिन अभी तक बच्चों को कोरोना की वैक्सीन नहीं मिली है। जल्द ही बच्चों के टीकाकरण का इंतजार खत्म होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले सरकार पहले से बीमार बच्चों के लिए एक सूची बना रही है, जिसे पूरा होने में फिलहाल 2 सप्ताह का वक्त लग सकता है। इसके बाद देश के हर जिले में सूची के आधार पर बच्चों का चयन होगा और उन्हें वैक्सीन लगवाई जाएगी। इसकी शुरुआत अक्टूबर से होगी। राष्ट्रीय टीकाकरण तकनीकी सलाहकार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने बताया कि वयस्कों की तरह बच्चों में परेशानी एकदम अलग होती है। बच्चों में हार्ट अटैक से मौत नहीं होती और उन्हें लीवर की परेशानी भी नहीं होती है। उनमें जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां भी नहीं होती। हालांकि बच्चों में जन्मजात और असाध्य रोग मिलते हैं, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए नई सूची बनाई जा रही है। डॉक्टर अरोड़ा ने कहा है कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर ये काम किया जा रहा है और अब तक काफी चीजें चर्चा में आ चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 2 सप्ताह बाद से सूची सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन उससे पहले राज्य सरकारों को भी इसे भेजा जाएगा, जिसके बाद हर जिले में इन बच्चों की पहचान करने के साथ ही इन्हें वैक्सीन दी जाएगी। तो बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए एक लिस्ट तैयार की जा रही है। दरअसल देश में बच्चों के टीकाकरण अब तक शुरू नहीं हो पाया है, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा था कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन तैयार की जा रही है और जिसका काम तेजी के साथ चल भी रहा है, लेकिन अब लग रहा है कि इंतजार जल्द खत्म होने वाला है। एक अलग सूची तैयार की जा रही है, 2 सप्ताह में इसे अंतिम रूप दे दिया जाएगा, सरकारों को भेज दिया जाएगा, उसके बाद बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। वयस्कों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो चुकी है और करीब 70 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है। जब कानून के रक्षक भक्षक बन जाएं तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। मामला कुशीनगर की पुलिस लाइन का, जहां आरआई ने अपने ही पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही को जानवरों की तरह पीटकर बुरी तरह से जख्मी कर दिया और हद तो तब पार हो गई जब जख्मी सिपाही को इलाज के बजाय शराब की भट्टी पर ले जाकर शराब की बोतल से नहला दिया गया। उसके बाद साजिश के तहत जिला अस्पताल ले जाकर मेडिकल कराया गया। इतना जुल्म ढाने के बाद भी आरआई साहब का जी नहीं भरा। मारपीट में चोटिल सिपाही को क्वार्टर गार्ड में रात भर बंधक बनाकर रखा गया। आरआई के जुल्म का शिकार हुआ सिपाही 20 घंटे तक भूखा प्यासा रहकर दर्द से कराहता रहा, लेकिन ना तो कोई सहकर्मी मदद को आगे आया और ना ही आरआई का दिल पसीजा। दोपहर बाद जब आरआई को लगा कि मामला ऊपर तक पहुंचेगा तो उसने दोपहर बाद जख्मी सिपाही को छोड़ दिया। इसके बाद जख्मी सिपाही देवेंद्र चौरसिया ने पहले जिला अस्पताल में अपना इलाज कराया और फिर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित सिपाही की बात सुनने के बाद जहां पुलिस अधीक्षक को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, वहां उन्होंने सिर्फ जांच का आदेश दे दिया है। यानी कहा जा सकता है कि वाकई कुशीनगर में पुलिस की जो कार्यशैली है वो बेहद संवेदनशील है। रात कल ड्यूटी किया, दिन में लेट ड्यूटी हमारी 12 बजे तक की है, लेट सुरक्षा ड्यूटी थी। उसके बाद फिर बताया कि आप सेवर ही चले जाइए, वहाँ सुरक्षा गार्ड में, तो सुरक्षा गार्ड में गए, वहाँ से ड्यूटी करके हम आए। हम केवल मुंशी से यही कहे कि भैया ये एक बार ड्यूटी दूसरा लगा रहे हो फिर दूसरा बदल दे रहे हो। मैं केवल अपने आपत्ति वहाँ जाहिर किया। इतने में वो शिव नाम है जो गरना मुंशी है, उसने आरआई साहब को फ़ोन किया। आरआई साहब आए और सारे लोग गरना पे खड़े थे, गरना का विसर्जन कर दिए और हमको बुला करके लेके गए जिप्सी के पास में। वहाँ आप कुछ अभी समझ पाते कि ये लोग लाठी, आरआई द्वारा लाठी निकाल करके लगातार हमारे ऊपर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिए। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी निशांत गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं कुशीनगर से। निशांत, ये पूरा मामला किस तरह से है पहले ये समझना चाहेंगे। मैम, एक चौरसिया जी हैं जो कि 112 नंबर पे हैंड कॉन्स्टेबल हैं, उनका आरोप लगा है कि जो पुलिस लाइन के जो मेन अधिकारी हैं उन पे मारपीट का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पहले ने खिलाया पिलाया गया, फिर उन्हें बाद में मारा पिटा गया है, यही इनका आरोप है। मेडिकल जांच करने के बाद ये आरआई पे आरोप लगाया गया है।
कि आरआई पर इतना बड़ा आरोप यहाँ पर निशांत लगा है कि पहले उसने सिपाही को पीटा, उसके बाद उसका इलाज ना कराकर शराब की भट्टी पर वो ले गया है, शराब से उसे नहलाया गया, उसके बाद भी उसका दिल नहीं पसीजा, बंधक बनाकर रखा, उसका मोबाइल फोन भी तोड़ दिया गया है। इस मामले पर सब कुछ ठंडा है, अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। निशांत मेरी आवाज मिल रही है? निशांत मुझे सुन पा रहे हैं आप? तो मेरे सहयोगी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है, लेकिन हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। कुशीनगर का ये पूरा मामला है जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। कुशीनगर यानी कि पुलिस की कार्यशैली पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। यूपी पुलिस जो हर टाइम अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आती है, वहां ऐसे मामले भी सामने आ जाते हैं जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल तो खड़ा होता ही है, लेकिन पुलिस वाले भक्षक बने भी नजर आते हैं। देखिए, कानून के रक्षक भक्षक बन जाएं तो सवाल उठेंगे और सवाल उठाना लाजमी भी हो जाता है। कुशीनगर के पुलिस लाइन में जो हुआ वो सरासर गलत है। आरआई ने अपने ही पुलिस लाइन में तैनात एक सिपाही को जानवरों से भी बदतर तरीके से पीट दिया और बुरी तरह से जख्मी कर दिया, लेकिन उसे इलाज नहीं दिया, बल्कि हद तो देखिए कि शराब की भट्टी पर ले जाता है, शराब से उसे नहलाता है, उसके बाद साजिश के तहत जिला अस्पताल जाकर मेडिकल करा देता है। जुल्म किया और जुल्म ढाने की इंतहा तब हो गई जब उसने उसे एक क्वार्टर में बंधक बनाकर रखा और फिर उसके 20 घंटे तक ना तो कुछ खाने के लिए दिया और ना ही पीने के लिए। वो दर्द से कराहता रहा, लेकिन कोई सहकर्मी वहां मदद के लिए नहीं पहुंचा, ना ही आरआई का दिल पसीजा। दोपहर बाद लेकिन जब आरआई को लगा कि अब मामला ऊपर तक जाएगा, जांच होगी, तो उसने दोपहर बाद जख्मी सिपाही को छोड़ दिया। इसके बाद जख्मी सिपाही देवेंद्र चौरसिया ने पहले जिला अस्पताल में अपना इलाज कराया और फिर पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि पीड़ित सिपाही की बात सुनने के बाद पुलिस अधीक्षक को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ जांच के आदेश दे दिए हैं, यानी कि जांच होती रहेगी, एक महीना दो महीना आराम से मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो कुशीनगर का ही पूरा मामला है जहां पर एक आरआई की हैवानियत जो है वो सामने आई है, वो भी खुद ही सहकर्मी सिपाही पर। और कुशीनगर के एसपी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूंगी कि आरआई ने सिपाही को इतनी बुरी तरह से पीटा है, लेकिन सिर्फ ये कह दिया गया है कि ठोस कार्रवाई नहीं की जाएगी, सिर्फ मामले में जांच की जाएगी, तो यहां पर कुछ भी अगर बात की जाए तो पुलिसकर्मी बोलने के लिए तैयार नहीं है। एसपी से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो लगातार फोन काट रहे हैं। इससे पहले भी हमने फोन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो फोन नहीं उठा रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि फोन मीडिया कर्मियों की तरफ से किया गया है, तो फिर वो फोन काट देते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि वो अभी बचते हुए इस पूरे मामले में नजर आ रहे हैं। तो अभी वहां के एसपी हैं सचिंदर, उनको फोन किया गया लेकिन उन्होंने फोन काट दिया। यानी कि पुलिस इस पूरे मामले में बचती हुई नजर आ रही है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इसी वजह से जो एसपी हैं वो भी फोन पर नहीं जुड़ रहे हैं, ना ही इस पूरे मामले में कुछ भी कह रहे हैं। आरआई ने सिपाही को बुरी तरह से पीटा, हमने अपने सहयोगी से भी जानने की कोशिश की गई और वहां से हमने जो जानकारी मिली आप लोगों तक पहुंचाई है, लेकिन वहां के एसपी से भी लगातार हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन या तो फोन वो उठाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि मीडिया की तरफ से फोन है तो वो फोन काट देते हैं, या फिर जब उनसे सवाल किया जाता है तब वो फोन काट देते हैं। बार बार वो फोन काट रहे हैं और सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद की राजीव कॉलोनी में सत्ताधारी पार्षद विभा देवी के पति और बीजेपी नेता सुजीत गिरी ने नगर निगम गाजियाबाद के संपत्ति प्रभारी भोलानाथ गौतम पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां पार्षद विभा देवी और उनके पति सुजीत गिरी ने न्यू हिंडन विहार हज हाउस कॉलोनी में भोलानाथ गौतम पर आरोप लगाते हुए कहा है कि भोलानाथ गौतम सरकारी जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं और इसके बदले मोटी रकम लेते हैं। वहीं सुजीत गिरी विभा देवी की तरफ से नगर निगम में सैकड़ों पत्र देकर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए दिए गए
सैकड़ों बार शिकायत करने पर मात्र 3-4 बार कार्रवाई की गई, वो भी सिर्फ खानापुर थी। बाद में खाली की गई जमीन पर ही मकान बनवा दिए गए हैं। गाजियाबाद का ये पूरा मामला, संपत्ति प्रभारी पर गंभीर आरोप लगे हैं। जमीन पर अवैध कब्जा हटाने की मांग लगातार की जा रही है। न्यू हिंडन विहार निकट हज हाउस के पास लगभग 400 से 500 मकाने बन गए नगर निगम की भूमि में। 200-250 मकान भोलानाथ संपत्ति अधीक्षक जो तहसीलदार गाजियाबाद हैं, इनकी मिली भगत से कुछ जमीनों पर कार्रवाई की गई थी, जिसमें 20-22 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखे गए थे। वो ज़मीन गिराई भी गई थी, फिर वही ज़मीन दोबारा बन रही है और ये पैसे ले लेके, मेरे पास ये FIR की कॉपी है, ये 21/5/2019 में लिखे गए थे साहिबा थाना में। आगरा में जैन समाज के कार्यक्रम में पहुंचे केंद्र सरकार के मंत्री कौशल किशोर अपने दिवंगत बेटे की याद में भावुक हो गए। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर नशा मुक्ति अभियान के तहत नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए लगातार अभियान चला रहे हैं। आगरा में जैन समाज के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने समाज के लोगों को इस संकल्प दिलाया कि वो अपने आसपास के लोगों को नशे से दूर रहने का आग्रह करेंगे। केंद्रीय मंत्री के साथ साथ सैकड़ों लोगों ने नशा मुक्ति अभियान से जुड़कर समाज में नशे को जड़ से खत्म करने का संकल्प लिया है। तो नशा मुक्ति अभियान के तहत नई पीढ़ी को संदेश लगातार दिया जा रहा है और नशा मुक्ति अभियान भी चलाया जा रहा है। कौशल किशोर केंद्रीय मंत्री वहां पहुंचे, अपने बेटे को याद करके वो काफी ज्यादा भावुक हो गए। केंद्रीय सरकार में आवास एवं शहरी विकास का राज्य मंत्री हूँ। मंत्री बनने के बाद मेरा पहला आगमन है ताज नगरी आगरा में। आने का मेरा आज का जो उद्देश्य था वो कुछ जगह पे, कुछ स्कूलों में और एक जैन धर्म का एक कार्यक्रम था चल रहा है, उसमें नई पीढ़ी के बच्चों को नशे से बचाने के लिए संकल्प कराना। क्योंकि मेरा खुद का बेटा नशे की वजह से लीवर डैमेज हो जाने की वजह से 28 साल की उम्र में विगत 19 अक्टूबर 2020 को उसकी डेथ हो गई थी। आगरा के एतमदौला थाना पुलिस ने फाउंड्री नगर पुलिस चौकी से 6 सट्टेबाजों को गिरफ्तार कर लिया। सभी सट्टेबाजों को पुलिस की तरफ से रंगे हाथों पकड़ा गया है। पुलिस दबिश के दौरान सभी सट्टेबाज सट्टा लगा रहे थे। थाना एतमदौला पुलिस ने सट्टेबाजों से नगद राशि और हथियार बरामद किए हैं। सभी अभियुक्तों को कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया गया है। तो पुलिस ने सट्टेबाजों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, कानूनी कार्रवाई कर सट्टेबाजों को जेल भेजा गया है। लगातार शिकायतें मिल रही थी कि तमाम लोग इकट्ठा होकर यहां पर सट्टा लगाते हैं, तो ऐसे में पुलिस ने चेकिंग की और 2-3 दिन इन पर नजर बना के रखी और रंगे हाथों फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आगरा का ये पूरा मामला। थाना एतमदौला क्षेत्र में स्थानीय पुलिस ने छापा मारकर फाउंड्री नगर चौकी क्षेत्र में 6 लोगों को गिरफ्तार किया। वो लोग सट्टा खेलते हुए पकड़े गए और उनके खिलाफ सट्टे का मुकदमा लिखा गया और साथ में उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया गया था और उनके विरुद्ध मुकदमा लिखकर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। जो अभियुक्त पकड़े गए उनके नाम हैं अभिषेक सेंगर, दूसरा मोनू सेंगर, देव तोमर, दीपक दीक्षित, प्रिंस और राम बाबू। इन सबको आज जेल भेजा जा रहा है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में हुई 9,50,000 रुपए की लूट को पुलिस की तरफ से 2,50,000 रुपए की लूट बताकर खुलासा कर दिया गया। SSP कार्यालय पर शिकायत लेकर SSP से शिकायत करने पहुंचे लूट के शिकार पीड़ित दंपति ने कोतवाली सिविल लाइन थाने में तैनात दारोगा पर लूट के 7 लाख रुपए हड़पने का सनसनीखेज आरोप लगाया। तो वहीं पीड़ित का आरोप है कि उससे जबरन थाने के अंदर पुलिस कर्मियों की तरफ से थर्ड डिग्री देने का खौफ दिखाकर जबरन 2.5 लाख रुपए की लूट होने की तहरीर लिखवा दी गई। तो वहीं पीड़ित ने लूटी गई रकम के 7 लाख रुपए कोतवाली में तैनात दारोगा की तरफ से हड़प जाने के बाद रुपए वापस कराने की गुहार अलीगढ़ के SSP कलानिधि नेथानी से लगाई है। तो अलीगढ़ की लुटेरी पुलिस की करतूत सामने आई है। पीड़ित ने SSP से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल लूट काफी संख्या में हुई थी, लेकिन यहां पर 2.5 लाख की लूट पर
पीड़ित के हस्ताक्षर करवा दिए गए और साथ ही साथ उसे ये डर दिखाया गया कि उसे थर्ड डिग्री दी जाएगी। घटना ये हुई थी, मैं बैंक से कैश लेके जा रहा था, मुझको किसी को कैश देना था, वो परवेश को देना था, 9.5 लाख रुपए कैश था मेरे पास और वहाँ से लूट हो गई मेरी फिरोज हॉस्पिटल के चौड़ाई पे। और वहाँ जिस तरीके की दुर्घटना हुई मेरे साथ, उसके बाद हम पीछे भी भागे, बाकी फिर हम उसके बाद थाने आए, थाने से बैंक गए थे, बैंक से फोटोज लिए सर्वर कुमार द्वारा, SI सर्वर कुमार द्वारा वो लिए गए थे फोटोज, फिर उसको पकड़ा गया था, पकड़ के लाए थे, फिर पैसे 9.5 लाख रुपए लूट हुई थी मेरी, 9.5 लाख रुपए लूट होकर फिर उसको पकड़ा था। पुलिस ने क्या खुलासा किया बताओ? पुलिस ने 2.5 लाख रुपए खुलासा किया, मेरी लूट 9.5 लाख रुपए की हुई थी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस महानिदेशक ने एंटी ड्रग टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसकी जिम्मेदारी केवल नशे के कारोबार पर रोक लगाने की है। ऋषिकेश में पहली बार ATTF ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 महिला सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आरोपियों के कब्जे से 6 किलो 400 ग्राम गांजा पुलिस ने बरामद किया है। खास बात यह है कि ये गांजा कहीं आसपास से नहीं बल्कि 1200 किलोमीटर दूर बिहार से उत्तराखंड बेचने के लिए लाया गया था। गांजे की डिलीवरी होने से पहले ही ATTF की टीम ने तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस तस्करों से पूछताछ भी की जा रही है। तो ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, 6 किलो 400 ग्राम गांजे सहित 3 तस्कर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये जो गांजा है वो बिहार से उत्तराखंड लाया गया था और इसी दौरान इनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। बलरामपुर में राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने संयुक्त चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान सुनीता बंसल को भ्रष्टाचार की भारी भरकम शिकायतें मिली, जिसके बाद सुनीता बंसल ने CMS प्रवीण कुमार समेत कई डॉक्टरों को जमकर फटकार लगाई। वहीं औचक निरीक्षण में कई सारे डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद सुनीता बंसल ने CMS को भ्रष्ट डॉक्टरों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच के दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य सुनीता बंसल ने कहा है कि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारी सरकार को बदनाम करने में लगातार लगे रहते हैं और अपनी ड्यूटी से नदारद रहते हैं। फिरोजाबाद में पुलिस ने ब्लड डोनेशन कैंप के बाहर से चोरी की गई बाइक के साथ एक चोर और 3 कबाड़ियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से 7 चोरी की बाइक, 1 तमंचा, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। SSP अशोक कुमार ने मामले का खुलासा करने के बाद पकड़े गए आरोपियों को जेल भेज दिया है। फिरोजाबाद का एक बड़ा मामला जहां पर चोरी की बाइक के साथ 3 कबाड़ी गिरफ्तार हो गए हैं, पुलिस ने आरोपियों को जेल भी भेज दिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।